नमस्ते प्यारे साथियों, मैं सरिता स्वादी डीईएस सेकेंडरी विद्यालय की अध्यापिका हूँ और आज आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुई हूँ। और आज हम देखने वाले हैं एक पाठ जिसका नाम है सफर का साथी और सिरदर्द, जिसके लेखक हैं रामनारायण उपाध्याय। और वे बताना चाहते हैं कि हम सबको यात्राएं करना अच्छा लगता है, खासतौर पर रेल यात्रा सभी को पसंद आती है। तो इस रेल यात्रा के दौरान हमें कुछ अलिखित नियमों का पालन करना चाहिए और जिसके कारण हमारी और दूसरों की यात्रा जो है वो सफल हो सकती है। तो चलिए पीपीटी के माध्यम से इस पाठ की सैर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं सफर का साथी और सिरदर्द लेखक परिचय है और आप उनकी तस्वीर भी यहाँ पर देख सकते हैं। उनका जीवन परिचय, रामनारायण उपाध्याय जी का जन्म 2 मई 1918 में मध्य प्रदेश राज्य के कालमुखी खंडवा में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता पूर्व से ही इन्होंने लघु कथाएं लिखनी शुरू कर दी थी। लघु कथाएं यानी छोटी छोटी कहानियां। इनका साहित्य गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित रहा है। उपाध्याय जी एक प्रसिद्ध व्यंगकार भी थे। इन्होंने व्यंग, ललित निबंध, रिपोर्टार्च, रूपक, संस्मरण आदि विधाओं में सरल, सहज व प्रभावशाली शैली में लेखन किया है। हिंदी भाषा के साथ साथ लोक भाषा तथा विभिन्न बोलियों के क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और खास तौर पर हास्य व्यंग में लिखने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। तो आज भी हम यहाँ पर जो पाठ देखने वाले हैं वो भी इसी प्रकार से पाठ है। तो उनकी प्रमुख कृतियां कौन सी थी? बख्शीनामा, धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कुराती फाइलें, ये व्यंग संग्रह है, मृग के छौने, छौने यानी छोटे छोटे बच्चे, निबंध कृति संग्रह है, हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़ियां, ये लोक साहित्य है, जिन्हें भूल न सका, ये संस्मरण है। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से जो आज जो लिखा हुआ है उसका गद्य परिचय है। हास्य व्यंग निबंध साहित्य की एक नई विधा है। इसमें उपहास, मजाक व इसी क्रम में आलोचना का प्रभाव रहता है। इस विधा के माध्यम से गंभीर विषयों पर हल्के फुल्के ढंग से हास्य द्वारा पाठकों को सोचने पर विवश किया जाता है। सफर का साथी और सिरदर्द इस हास्य व्यंग परक निबंध में लेखक रामनारायण उपाध्याय जी ने यात्रा करते समय यात्रा में आने वाली दिक्कतों से परिचित कराया है। यानी क्या क्या मुसीबतें इस यात्रा में आती हैं वो हमें ध्यान देनी है। लेखक का कहना है कि हमें यात्रा करते समय दूसरे यात्रियों से अखबार जैसी कुछ भी चीजें नहीं मांगनी चाहिए और साथ ही हमें अनावश्यक बातें करने से बाज आना चाहिए। यानी यहाँ पर आपको मालूम है कि वो कहते हैं, लेखक भी एक यात्रा कर रहे हैं, यात्रा पर हैं, रेल यात्रा पर, और वे कहते हैं कि उनका जो अनुभव था वो इस प्रकार से था कि लोग बिना वजह बातें करने या और न जाने क्या क्या चीजें मांगने में लगे रहते हैं और जिसके कारण वे अपनी यात्रा और दूसरों की यात्रा में विघ्न डालते हैं और उसका आनंद लेने नहीं देते। तो अब चलते हैं पाठ की ओर। सफर का साथी और सिरदर्द। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने और जो दूर हैं उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मजा आता है। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि उन्हें अकेले यात्रा करनी अच्छी लगती है। और इस यात्रा के दौरान आपने भी अनुभव किया होगा, जब हम रेल में बैठते हैं तो किस प्रकार से, जब बैठते हैं तो सारे बाहर के जो दृश्य है वो किस प्रकार से नजर आते हैं, वृक्ष भी दौड़ते हुए नजर आते हैं आगे या पीछे की तरफ, तो इस दृश्य का आनंद वे अकेले लेना चाहते हैं। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा हो। यानी उन्हें किसी भी साथी की जरूरत नहीं होती, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता कि कोई उनका साथी बने। मैं इस किसकी ओर एक टक निहारता हूँ, किसे देखकर नौक भौं सिकोड़ता हूँ और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, यह मुझे कतई पसंद नहीं। यानी लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई जो जिन चीजों का मैं आनंद ले रहा हूँ उसमें विघ्न डालने वाले लोग मुझे कतई पसंद नहीं है और मैं
जो भी यात्रा कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ उसका अकेले ही आनंद लेना चाहता हूँ। नाग भौं सिकोड़ा, ये मुहावरा है। और नाग भौं सिकोड़ने का अर्थ क्या है? घृणा करना, अप्रसन्नता व्यक्त करना। उसके बाद निहारना यानी देखना, कतई यानी बिल्कुल। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्या कह रहे हैं लेखक, कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ। प्राकृतिक मनोरम इन्हें प्रकृति में जो भी सुंदर सुंदर दृश्य हैं, जो उन्हें उस यात्रा में दिख रहे हैं, उनका वे आनंद उठाना चाहते हैं, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, ये सभी को देखने अच्छे लगते हैं। तभी मेरी दृष्टि उचट कर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। वो कहते हैं कि अचानक ही उनकी दृष्टि कहाँ पहुंच जाती है? उचट कर, यानी उन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी वो दृष्टि वहां पर उनकी जा चुकी है कि किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए कुछ बच्चे हैं, उन्हें देखने में उनकी नजर जो है वो उलझ जाती है। और अचानक ये भी हो जाता है कि रेल अपनी गति पर है, तो जैसे ही देखने से पहले ही वो दृश्य ओझल भी हो जाता है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। यानी वो सोचने लगते हैं कि अरे मैं क्या दृश्य देख रहा था, क्योंकि वो क्षणिक ही वो दृश्य उनकी नजरों के सामने था और उनका दिमाग सोचने लगता है कि अरे मैं क्या देख रहा था। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है। इसी बीच जैसे आंख में कंकरी गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। यानी क्या होने लगता है, जब आप रेल यात्रा करते हो और अचानक वहां पर नदी भी है, उसका आनंद उठाने से पहले ही कुछ और दृश्य आपके सामने आ जाते हैं या पहाड़ी बीच में आ जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि आंखों में कंकरी यानी छोटे पत्थर गए हों और सारा का सारा जो आनंद है या जो सारा आप दृश्य देख रहे हो वो चौपट हो गया है, ना अचानक ही समाप्त हो गया है, वो आगे नजर नहीं आ रहा है। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के छोर नापना चाहता है। यानी क्या चाहते हैं लेखक, कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश यानी ऊंचे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के छोर नापना चाहता है। यानी आसमान अनंत कहा जाता है ना आसमान को, तो वो देखना चाहते हैं या उसे नापने की कोशिश करना चाहते हैं। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। यानी जब लेखक चाहते हैं कि इन दृश्यों का वे आनंद उठाए, तो अचानक ही आपको मालूम है कि एक गुफा में से रेल निकल पड़ती है और अंधेरा पूरा छा जाता है और अचानक ऐसा लगता है कि जैसे हम क्या हो गए हैं, लाचार हो गए हैं जो कुछ हो रहा है उसे अनुभव करने के लिए। जमीन सकंदर बनाया भाग, वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। यानी उन्हें बिल्कुल बस की यात्रा जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसमें यह भी जरूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही होगा। यानी जब आप बस की यात्रा करते हो तो आपको मालूम है कि आपकी बगल वाली सीट पर कौन बैठा होगा, वो मन आपके मनपसंद होगा या नहीं, किस प्रकार से होगा। कई बार ऐसे अनुभव होते हैं, अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता। यानी लेखक कहते हैं कि कभी कभी ऐसे हो जाता है, ऐसे लोगों से पाला पड़ता है कि वे सीधे मुंह बात भी नहीं करते और अपने ही इसमें मग्न रहते हैं। अगर उनसे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो वो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। यानी लेखक कह रहे हैं कि कभी ऐसा मौका आ गया तो जो बैठा हुआ है पास में, अगर आप काफी प्रश्न पूछो तो वो केवल उत्तर किस में देगा, हाँ या हूँ, इसी में वो जवाब देता है और इस प्रकार खिड़की से बाहर देखकर अपना मुंह लटका लेता है कि उसे जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या ना सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उतर न जाए। यानी कभी कभी ऐसे भी साथियों से पाला पड़ जाता है कि जो पूरे सफर में इतनी बातें करते हैं कि आप ऊब जाते हैं, और बातों का अंत कब होता है, जब दोनों में से कोई एक उतर जाता है। तो इस प्रकार से लेखक का अनुभव था, तो वे अपने सफर में कोई भी साथी नहीं चाहते थे। मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज्यादा पसंद है। तो उन्हें क्या पसंद था, उन्हें सुपरफास्ट ट्रेन की जगह उन्हें एक्सप्रेस से
यात्रा करना अच्छा लगता था। तो क्यों अच्छा लगता था? कारण सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किस प्रकार से होते हैं कि अगर आप उनसे बातें करो तो उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं होता, वे उन लोगों के पीछे दौड़ते हैं जो कहते हैं कि उनका दर्जा जो है वो बड़े लोगों में होता है। तो वे भी चाहते हैं कि उनके पास वे पहुंच जाए, उनसे बातें करें। वे मामूली आम इंसानों से बात करना पसंद नहीं करते, इसलिए उन्हें सुपरफास्ट ट्रेन अच्छी नहीं लगती, एक्सप्रेस ही अच्छी लगती है। तो एक्सप्रेस की वो क्या विशेषता बताते हैं? उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो। यानी देखो कितना सुंदर वर्णन किया है उन्होंने सुपरफास्ट ट्रेन का और एक्सप्रेस का। तो एक्सप्रेस के क्यों उन्हें अच्छी लगती है? तो वो एक्सप्रेस जो है वो उस दोस्त के समान है जो स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर लेती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है और जब चलती है तो इस कदर चलती है कि कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो। इन्हें देखो कितना प्यारा वर्णन है यहाँ पर। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मजा आता है, ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हों। यानी बहुत पुराने जमाने में बाइस्कोप, उसी में से आप चित्र वगैरह दिखाए जाते थे और ऐसा लगता था कि वहां पे कोई चलचित्र चल रहा हो या कोई फिल्म, जिस प्रकार से पीछे से आवाजें वगैरह दी जाती थी उसमें वो चित्र दिखाई दिए जाते थे। तो उन्हें लगता है कि वो उस प्रकार से जो ट्रेन से उनका आनंद उन्हें लेना है तो बाइस्कोप की तरह उन्हें वो दिखाई देता है। लेकिन कोई देखने दे तब तो, जैसे ही आपने पांव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? अचानक क्या हो जाता है, लेखक इन्हीं सपनों में है और जब अपनी सीट पर आकर बैठने की चेष्टा करते हैं और कोशिश करते हैं कि चलो मैं अब आराम से बैठ जाता हूँ, तो उसी समय ऐसा कोई साथी सामने बैठा हुआ होता है। वो क्या कहता है कि अरे अखबार आपके इसमें देखते ही वो आपसे अखबार मांग लेगा और फिर उसे नहीं कहा नहीं जा सकता और लेखक को वो अखबार उन्हें देना पड़ता है। यानी कोई भी हो उसे वो अखबार देना पड़ता है, भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी न देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। यानी स्थिति किस प्रकार से होती है कि वो इंसान अखबार मांगता ही नहीं, मांगने से आप उत्तर देने से पहले ही उसके हाथों में वो अखबार नजर आता है। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी। यानी किस प्रकार से हालत हो जाती है, जिसका वो अखबार है उसकी ही स्थिति कैसे हो जाती है, जैसे मानो अब वो दूसरों से अखबार मांग रहा हो। और आप उत्सुकता से यह राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। उन्हें लगता है कि जब समाचार पत्र उनका हो जाएगा पढ़कर तो वे वापस देंगे और आप इंतजार करते रहते हो और केवल इंतजार ही करते रहते हो, क्योंकि अखबार जो है वो पूरे डिब्बे भर घूमता ही रहता है। तभी वे सज्जन एक जम्हाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं उनकी निजी संपत्ति हो। यानी क्या हो जाता है कि वही समाचार पत्र कोई और मांगता है तो वही इंसान क्या करता है, बेतरतीबी यानी बड़ी बेरहमी से उसको मोड़ कर वो उन्हें देता है, इस शान से देता है जैसे वो अखबार उनका स्वयं का था, उन्होंने स्वयं खरीदा हो। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे और कुछ ही समय में आप देख सकते हो कि आपका वो जो समाचार पत्र था वो उसके पन्ने जो है वो अलग अलग लोग उठाकर ले गए हैं और कहां वो पूरा अखबार जो है वो पूरे डिब्बे में घूम रहा है। मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। यानी तब आपको समझ में आता है कि वो जो समाचार पत्र था उसके कितने उपयोग हो सकते हैं। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा। यानी वही समाचार पत्र क्या होता है, उनमें से कोई जो इंसान है वो उठा लेता है और उसको उठाकर अपनी सीट झाड़ने लगता है, कोई फैलाकर उस पर भोजन करने लगता है।
कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई दे पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं, यानी उसने भी कभी जिसने खरीदा है उसने ये भी सोचा नहीं होगा कि उस समाचार पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। इन सबसे परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सीट टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहोगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हो या कहाँ तक चल रहे हैं आप? अनमने मन से कहेंगे भोपाल तक, यानी अगर आप आपका ध्यान नहीं है फिर भी आप सोचकर उत्तर दोगे कि भोपाल तक। पूछेंगे भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है, कहेंगे 3:15 बजे। उनका तर्क होगा पहले तो 4 बजे पहुंचती थी, कहा टाइम बदल गया, बोले गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। यानी वो इस प्रकार से डरा रहे हैं कि आज ही पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो होता नहीं है, हमेशा देर से ही गाड़ियां पहुंचती हैं, और न जाने कितनी ही सलाहें वे आप लोगों को देते रहते हैं। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ, तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? कहा हबीबगंज। पूछा हबीबगंज क्यों? कहा वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है। यानी इस प्रकार से प्रश्न उत्तर चलते रहते हैं। वे चिढ़कर कहेंगे खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपए ऐंठ लेंगे। यानी उन्हें वहां पर भी परेशानी है, पैसे तो वही व्यक्ति देने वाला है जो जाने वाला है, यानी उसे न जाने कितनी ही सलाह देने लगते हैं लोग। इससे तो अच्छा है अब भोपाल स्टेशन पर उतरते, वहां से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। यानी देखो कितनी जानकारी वे रखते हैं और दूसरों को सलाह देते हैं। सोचा कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहां से वापस ट्रेन में न बैठा दे। यानी वो इतने डर गए लेखक कि किस प्रकार से यानी घुमा फिराकर कहीं वे फिर से उन्हें हबीबगंज स्टेशन पर लाकर ना छोड़ दें। अतएव चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। यानी लेखक जो है वो ये सब सुनकर बेचारे चुप हो गए और चुप्पी साध कर यानी शांति से बिना कुछ बोले निश्चल बैठ गए। अगर आप यात्रा पर हैं तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। इन्हें सभी को मालूम है कि अगर सामने वाला कोई प्रश्न पूछता है तो उत्तर देना बाध्य हो जाता है। पूछा भोपाल में क्या करते हैं? कहा मीटिंग में जा रहा हूँ। वे कहना शुरू कर देते हैं अपने तो वल्लभ नगर के अकाउंट सेक्शन में है। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। रहने को ठाट से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीबी और 2 बच्चे हैं। इन्हें बिना पूछे ही सारी जानकारी वे देने लगते हैं। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों की शंटिंग करने की आवाज सुनाई देगी। इन्हें जिस प्रकार स्टेशन पर आप लोगों को मालूम है कि गाड़ियों की आवाजें किस प्रकार से आती हैं, या 2 डिब्बे जब अलग होते हैं या पीछे धकेले जाते हैं तो वो जो आवाजें होती है उन्हें कहते हैं शंटिंग। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है अगर रेलवे कर्मचारी आपका साथी है तो इस प्रकार से शंटिंग की आवाज आप लोगों को सुनाई देगी। कोई कहेगा 8 अप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। इस प्रकार से उनकी जो भाषा है उसका इस्तेमाल वहां पर होता रहेगा। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। अरे नाराज भी तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज होगा? अगर शिकायत करना चाहे तो क्या शिकायत पुस्तिका मांगे? जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। न जाने कितनी ही बातें उसमें होती हैं जो बिना सिर पैर की होती हैं। दूसरे ने कहा मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ, लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी, कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी, मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया, पूछा क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है? देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था, अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। एक बार एक सहयात्री ने पूछा क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं? आरक्षण यानी रिजर्वेशन।
मैंने कहा यह तो सहज बात है और यह तो स्वाभाविक है कि सभी क्या करते हैं, आरक्षण करवाते हैं। आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना होता है, यानी अगर आरक्षण नहीं हुआ तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिरदर्द मोल लेना मुहावरा है, इसका मतलब परेशानियों को ले लेना या परेशानियां होना। वे बोले, आप भी अजीब आदमी है, सिरदर्द तो आरक्षण कराने में है। देखो वो आदमी किस प्रकार से कह रहा है, कहता है कि आरक्षण कराने में ही सिरदर्द है। हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वह हिकारत भरी निगाह से कहता है, जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। यानी देखो किस प्रकार से उसकी भी बातें हैं। वह दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास ना टिकट है ना आरक्षण, इशारे इशारे में कुछ बात होती है और उसे जहां तक के लिए चाहता है वहां तक के लिए सीट मिल जाती है। यानी देखो किस प्रकार से काम होते हैं आपस में। टिकट है आपके पास तो वो देखना नहीं चाहता, लेकिन टिकट नहीं है तो वो आपको जरूर न जाने क्या क्या बताएगा और आपको कहेगा कि पैसे भरिए वगैरह। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा है, भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत, अलिखित बातें हैं। तो भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है, ने क्या है, भारतीय रेल जो है वो जनता की नहीं बल्कि रेल कंडक्टर की संपत्ति है। इस प्रकार से व्यंग यहाँ पर किया गया है। सांझ हो चली थी, डिब्बे की बत्तियां जलने वाली थी, लोगों ने अपने अपने होल्ड ऑल बिछाने शुरू कर दिए। मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिरदर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। सहयात्री ने देखा तो पूछा, क्या आपको सिरदर्द हो रहा है? मैंने कहा जी हाँ। बोले, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं, इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था, रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली थी? अरे ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताजा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे हाथ लगाकर देखें लो गरम है कि नहीं, उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी है। इस प्रकार से न जाने कितनी बातें वो सुना रहे हैं। देखो, एक गोली के लिए, मैं तो घर में पराठे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो दो और चार, यानी दो जितने भी हैं बैठकर उनके साथ वो खाने में आनंद लेते हैं, तो दो चार मिलाकर खाने में मजा आ जाता है। फिर पूछा, आपको सिरदर्द कितने समय से है, क्या यह पैतृक बीमारी है, पुश्तैनी बीमारी जिसे कह सकते हैं, यह दादा पर दादाओं को है क्या, या केवल आपको ही है? मैंने कहा, मेरे परिवार में सभी के सिर हैं, अतएव सबको सिरदर्द होना स्वाभाविक है। वे बोले, क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं, यानी बिना इसकी बातें कर रहे हो? जिनके पांव में शनि होता है उन्हें भी सिरदर्द होता है, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिरदर्द होता है। यानी देखो किस प्रकार से किन किन लोगों को सिरदर्द होता है, तो जिसको शनि होता है जिनके पैरों में उन्हें भी होता है, और जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिरदर्द होता है। सही, मैंने कहा, आप बजा फरमाते हैं, आप सही कह रहे हैं। जब मैं घर से चला था तो भला चंगा था, उन्होंने कहा लेखक ने कि मैं जब घर से निकला था तो भला चंगा यानी बहुत ही अच्छा था। ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था, लेकिन जब से हम सफर सहयात्रियों ने सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफर यात्रियों के दर्दे सिर से परेशान हूँ। यानी देखो किस यात्रियां हैं उनके कारण वो उनका सिर दर्द हो रहा है, लेकिन किसी को इस प्रकार से कहने पर भी उनकी समझ में नहीं आया कि वो लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो लेखक थे वे सभी यात्रियों से परेशान हो गए हैं। तो अब इस पाठ का एक सारांश एक बार देखते हैं। यह एक हास्य व्यंग निबंध है, तो ये क्या है, निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बातें करने वालों एवं बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग किया है। किन पर व्यंग उन्होंने कसा है, तो अखबार मांगने वालों, यानी अखबार का उपयोग कितना होता है आप लोगों ने इसमें देखा कि जो मांग कर अखबार लेते हैं उन पर, और अनावश्यक बातें करने वालों जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है बिना वजह जो बातें करते हैं उन अनावश्यक बातें करने वालों पर, और बिना मांगे सलाह देने वालों पर उन्होंने करारा व्यंग किया है इस पाठ के द्वारा। लेखक को अकेले यात्रा करने में आनंद आता है, उनके अनुसार किसी के साथ यात्रा करना या
यानी यात्रा का मजा किरकिरा होने जैसा है। वे खुद भी उन्होंने उसका अनुभव किया कि किस प्रकार से उनकी यात्रा का मजा जो था वो किरकिरा हो गया। रेल से यात्रा करते समय खिड़की से बाहर झांककर प्राकृतिक मनोरम दृश्यों को देखना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त देखना लेखक को अच्छा लगता है। लेखक को सुपरफास्ट रेल की बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करने में आनंद आता है। तो क्यों आता है हम लोगों ने देखा, क्योंकि वह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है। रेल में बैठे अन्य सहयात्रियों से लेखक परेशान हो जाते हैं। अन्य यात्री लेखक का अखबार मांगते हैं और लेखक से तरह तरह के अनावश्यक सवाल पूछते हैं या बातें करते हैं। इनसे लेखक तंग आ जाते हैं और वह सिरदर्द की एक गोली खाकर लेटना चाहते हैं। लेखक के साथ सफर करने वाला एक सहयात्री लेखक को जब गोली लेते हुए देखता है तो पूछने लगता है कि वह लेखक से ढेर सारे सवाल करता है, जिससे लेखक बहुत ऊब जाते हैं और वह सीधा सा जवाब देते हुए कहता है कि जब वह घर से निकला था, जब लेखक घर से निकले थे तो भले चंगे थे, और जैसे ही इन सहयात्रियों ने उनका सिर खाना शुरू कर दिया तो उनका सिर दर्द करने लगा। तो अंत में बहुत सुंदर वाक्य वो कहते हैं, अपने परेशान होने का कारण वे बताते हैं कि मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफर यात्रियों के दर्द सिर से परेशान हूँ। तो देख सकते हैं किस प्रकार से लेखक जो थे वो परेशान हो उठे, और उन्होंने बताया है कि कुछ यात्रा करते समय, कोई भी यात्रा जब आप करते हो, चाहे वो रेल की यात्रा हो, चाहे बस की यात्रा हो या हवाई जहाज की यात्रा हो, तो उनमें कुछ अलिखित नियम होते हैं और जिनका की पालन आप लोगों को करना चाहिए, ताकि आपकी यात्रा भी सफल हो और आपके साथ जो सफर कर रहे हैं उनकी भी यात्रा सुखद हो, यही लेखक चाहते हैं। तो प्यारे साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से रेल की यात्रा का अनुभव लेखक ने लिया और फिर इसका अंदाजा भी लगाया कि किस प्रकार से अनावश्यक बातें करने वालों से हमें दूर रहना चाहिए या हमें स्वयं भी दूसरों से अखबार मांगकर नहीं लेने चाहिए। तो ये कुछ अलिखित नियम है हर यात्रा के, तो उन नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो आशा करती हूँ कि ये जो सफर था हमारा वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने कुछ नई बातें इस सफर से सीखी होंगी। तो मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद। Thank you.